गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भाई, चालू करें। वैसे जो रात को देख रहे हैं उनको गुड नाइट तो नहीं कह, गुड इवनिंग उनके लिए गुड नाइट नहीं कह सकते, नहीं तो फिर क्या करेंगे, मोबाइल को बंद करेंगे या लैपटॉप को बंद करेंगे, सो जाएंगे, बोले सर ने बोल दिया, गुरुजी ने कहा है कि गुड नाइट, तो ऐसा नहीं है। चालू करें अपना एनिमल किंगडम। ये दिन सर फोर रहेगा, पहले के 3 सीरीज इसकी दे चुके हैं, टोटल 5 सीरीज रहेंगी अपनी एनिमल किंगडम की, ठीक है। और फर्स्ट वीक जो रहा है गुरु नीति का, नो डाउट अपने आप में जो आंकड़े हैं यूट्यूब पर वो अपने आप ही प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये किस प्रकार के मुकाम को हासिल करने जा रही है, ठीक है। जैसा जितेंद्र सर मैंने पहले भी कहा था कि आगे जो 2021 का जो एग्जाम का टाइम आएगा उस दौरान ये बहुत ही बेनिफिशियल बनने वाला है, अल्टीमेट बनने वाला है, बिल्कुल। और बच्चे अगर इन टॉपिक्स को रिवाइज करके फिर ये वीडियो देखे तो उनके लिए और डबल फायदे, अल्टीमेट हो जाएगा, रामबाण साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो चालू करते हैं, आइए। एनिमल किंगडम फोर्थ रहेगा अपना, और पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, निम्न जंतुओं पर विचार करना है। हाँ भाई, विचार करना है, लेकिन उस विचार करने से पहले अगली लैंग्वेज भी पढ़ लो कि विचार करते ही रह जाए कहीं अपन। हाउ मेनी ऑफ दीज हैज डाइकोंडाइलिक स्कल, इसका मतलब एम्फीबियन और मैमल की बात, ये अपन ने पहले भी काफी डिस्कशन किया है। डाइकोंडाइलिक का मतलब जिसकी स्कल में 2 कोंडाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ऐसा एम्फीबिया और मैमल्स में देखा जाता है। राना एम्फीबिया है, बुफो एम्फीबिया है, हेमिडेक्टाइलस रेप्टाइल हो गया, वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, ये गलत हो गया। पेरोफिलम ये एंजल फिश, एंजल फिश ऑस्ट्रिक्टिस में आती है, ये गलत हो गया। कैनिस मैमल है, मैमल कैनिस बोले तो कैनिस फैमिलियरिस है ना, कैनिस फैमिलियरिस डॉग, डॉग डॉग। और मैक्रोपस कंगारू, ये भी मैमल्स आता है। तो 1 2 3 4, तो कैसे कितने हैं, 4 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें डाइकोंडाइलिक स्कल की प्रेजेंस। 2 एम्फीबियन हो गए और 2 मैमल हो गए, 2 एम्फीबिया हो गए और 2 मैमल्स हो गए, हमने आपको क्लेरिफाई कर दिया है, सबके आपको कॉमन नेम भी बता दिया। कोई अगर पहली बार देख रहा है तो वो याद रख सकता है कि फिश में, रेप्टाइल में और एविज में मोनोकोंडाइलिक स्कल है, बिल्कुल, और एम्फीबियंस और मैमल्स जो है उनके अंदर डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल पाई जाएगी। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा जी यतेंद्र सर, स्नेक के लिए पूछा है, और उसके बाद में करेक्ट ग्रुप ऑफ पॉइजनस स्नेक जोन के बारे में बात कर रहा है। तो इसके अंदर जैसे कोबरा पॉइजनस है, और इसके अलावा कोरल स्नेक बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, इसके अलावा क्रेट, बंगेरस, वाइपर, ये भी पॉइजनस है, सी स्नेक जो है वो भी पॉइजनस है, लेकिन जो वाटर स्नेक है इसमें ज्यादातर जो नॉन पॉइजनस होते हैं, फ्रेश वाटर जी के रेस्पेक्ट में बात, फ्रेश वाटर के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और भी बनता है कि मोस्ट ऑफ द स्नेक कैसे होते हैं नेचर के, तो किस प्रकार का कहेंगे इनको, तो मोस्ट ऑफ द स्नेक, मोस्ट ऑफ अगर देखें तो अपन जो है इसके अंदर पॉइजनस नॉन पॉइजनस में, हाँ हाँ हाँ, तो इसको अपन क्लेरिफाई कर देते हैं कि पॉइजनस स्नेक की वेराइटीज खूब है, लेकिन एक्वेटिक फॉर्म में अगर बात करें तो आपको नॉन पॉइजनस फॉर्म भी बाकी होते हैं, दोनों पॉइजनस भी और नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस भी, पॉइजनस में जैसे हीमोटॉक्सिक भी होते हैं और न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक भी कहलाते हैं। और ये ज्यादा खतरनाक, ज्यादा लीथल कंडीशन कौन से में बनेगी, हीमो या न्यूरो में? ज्यादा तो हीमो वाला है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर तुरंत जो है वो आपका ब्लड वेसल वगैरह सब का डाइजेशन वगैरह हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिक जो उसमें पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, पैरालिसिस होने का ज्यादा कोच न्यूरोटॉक्सिक। जैसे अपन कोबरा की बात करें या फिर क्रेट की बात करें तो ये जो है न्यूरोटॉक्सिक है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में हीमोटॉक्सिक की अगर बात करें तो वाइपेरा जो है ये वाला, बिल्कुल। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन जरूर किया है, लेकिन आप मान के चले नीट में इतना गहराई का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो बढ़े आगे जी। इसमें देख लेते हैं कौन सा है, ये नहीं है, बाकी सारी है, इसका मतलब सी को हटाना है, सी को हटाना है, तो सी को हटा हुआ कौन से में है, इसमें लगा हुआ है ये गलत, इसमें लगा हुआ है ये गलत, इसमें लगा हुआ है ये गलत, तो ए बी डी ई है ना, ए बी डी ई एंड एफ ओनली, तो आंसर अपना चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, कॉकरोच के जूलॉजिकल नेम की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी इज अबाउट 34 to 53 सेंटीमीटर लॉन्ग, जी यही आपको गौर करना है, ये सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एमएम मिलीमीटर होना चाहिए था। और एक ये डाटा भी आप याद रख लेना, आपको 33 to 54 भी दे सकता है, तो बच्चे के कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि यहाँ पर अगर 33 to 54 हो तो 21 हो गया, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 mm, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करके रखें, लगभग 19 mm लॉन्ग इनकी बॉडी कहलाती है।
ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट पूछा है अपने से, तो आंसर तो ये चला गया। क्रॉस चेक और कर लेते हैं इतने से। बॉडी इज डिवाइडेड इन हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, बिल्कुल डिवाइडेड होती है, तीन पार्ट्स में होती है, नेक रीजन नहीं बोले होता। ईच बॉडी सेगमेंट इज कवर्ड बाय स्क्लेराइड्स, वेंट्रल साइड में स्क्लेराइड्स कहलाती हैं और उन्हें ही डोर्सल साइड में टर्गाइट्स कह देते हैं, और इनको कंबाइनली प्लूराइट कहा जाता है। टर्गाइट डोर्सली जैसा ये सर ने बताया, और वेंट्रली स्टरनाइट, लेटरली प्लूराइट्स, प्लूराइट्स हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बिल्कुल। मेम्ब्रेन के बारे में भी, आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन, वेरी गुड, आपने अच्छा याद दिलाया। यहाँ पर जो है, ये जो टर्गाइट के साथ में ये है प्लूराइट, प्लूराइट के साथ में ये है, ये आपस में जुड़ी होती हैं एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसका नाम है आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है। और ये जो व्यू है, जैसे फ्रंट इस तरीके से कॉकरोच है, तो इस तरीके से अगर उसको फ्रंट से ऐसे कट करें जी, तो ये वाला व्यू जो है वो डोर्सल हो गया, और ये वेंट्रल व्यू हो गया, सामने से ऐसे कट किया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें ठीक हो गई, स्क्लेराइट्स पाई जाती हैं। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, बिल्कुल ठीक बात है, पहले भी रेस्पिरेशन का लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आया था, 2 पेयर तो पाई जाती है इतने सर थोरैक्स थोरैक्स में, और रिमेनिंग 8 पेयर होते हैं एब्डोमिनल रीजन। तो टोटल स्पाइरिकल्स ह्यूमन के नोस्ट्रिल के जैसे ही स्ट्रक्चर कहलाती हैं, और बॉडी के लेटरली ये प्रेजेंट 10 पेयर या 20 होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, या तो 10 पेयर कह दो या फिर इनको 20 कह दो। तो अपना आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 1 जी यतेंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिप्लेनेट, वही कॉकरोच के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो हेड ट्रायंगुलर होता ही है, और हाइपोगोनेथस पोजीशन है, नेक से जुड़ा हुआ है, और जो इसके माउथ पार्ट है वो लोअर साइड होते हैं, इस पोजीशन को हाइपोगोनेथस बोला गया है। हेड डेवलप्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से जो हेड का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल। फिर हेड बियर 2 पेयर, ये वाला जो है 1 पेयर होना चाहिए, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 1 पेयर होना चाहिए था, इसके कारण क्या हो गया, करेक्ट पूछा है अपने से, 1 ए बी एंड सी करेक्ट हो गए, ये इनकरेक्ट हो गया, ए बी सी देख लो ऑप्शन कौन सा, ये सर ए बी सी ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एडिशनली आपको बता दूं, हाइपोग्नेथस कंडीशन का मतलब होता है बॉडी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके 90 डिग्री पर पाया जाना। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, और ये इसका हेड है, तो हेड जो है समवॉट डाउनवर्डली टिल्टेड होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर 90 डिग्री पर प्रेजेंट होता है हेड, ये कंडीशन हाइपोग्नेथस कहलाती है, और लोअर साइड माउथ पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल लोअर साइड माउथ पार्ट इसका अपन कह सकते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक सेगमेंट की और बात की है, यहाँ पर एक चीज आप ये भी याद रख लेना, अडल्ट में कितने सेगमेंट है और मेटामॉर्फोसिस स्टेज के दौरान कितने सेगमेंट है, तो हेड में अगर देखे तो लार्वल स्टेज में 6 थे, वो फ्यूज होकर एडल्ट में 1 बन गई, और थोरिक्स में 3 थे और 3 ही रह गए, और एब्डोमेन में 11 थे लार्वा में, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यतन जैसे लिख दे, इसको लिख दे तो बच्चे नोट कर, ये लार्वा हो जाएगा, ये एडल्ट हो जाएगा, क्यों सर, ये हेड हो जाएगा, ये थोरेक्स हो जाएगा, और ये एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो लार्वा में हेड में कितने थे 6, जो आगे चलकर फ्यूज होकर कितना बन गए 1, थोरेक्स में कितने थे 3, ये कितने रह गए 3 रह जाते हैं, एब्डोमेन में पहले कितने थे 11, ये कितने हो गए 10 हो गए, लास्ट वाला जो है वो फ्यूज। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर टोटलिटी की अगर मैं बात करूं तो लार्वा में ये तीन सर हो गए अपने 20, और यहाँ पर कितने हो गए 14, तो ये बात भी आप याद रखें कि लार्वल कंडीशन के दौरान 20 सेगमेंट पाए जा रहे थे, और एडल्ट में ये सेगमेंट का नंबर कितना रह गया 14, बढ़े आगे जी जी ये सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच, तो ये एडल्ट के रेस्पेक्ट में ही बात की जा रही है, तो सीधा सा बच्चे जो है वो 10 सेगमेंट, बिल्कुल, अगर कुछ भी ना दे तो फिर अपने को एडल्ट मानना है, और अगर इसको पूछना होगा लार्वल स्टेज के दौरान तो फिर क्वेश्चन में लार्वा मेंशन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो एब्डोमेन में लार्वल स्टेज के दौरान 11 सेगमेंट थे, जो फाइनली फ्यूज होकर कितने बन गए थे 10 सेगमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट दी स्टरनाइट्स इन फीमेल कॉकरोच विच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द ब्रूड पाउच या जेनिटल पाउच, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, और एनसीईआरटी की लाइन में इसी में क्या इंक्लूड किया हुआ है कि बोट शेप का 7th स्टरनाइट होता है, जो अलोंग विद 8th एंड 9th के साथ मिलकर क्या बना देता है, ब्रूड पाउच का फॉर्मेशन कर देता है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो 7th 8th एंड 9th स्टरनाइट ये मिलकर क्या बना देती है, ब्रूड पाउच बना देती है, जिसे क्या कहा जाता है, जेनिटल पाउच भी कहा जाता है, बिल्कुल। चले आगे जी क्वेश्चन नंबर 7, एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल चैम्बर ऑफ फीमेल कॉकरोच हैज ओपनिंग ऑफ, तो वहां पर फीमेल गोनोपोर भी होता है,
बिल्कुल, ये वेजाइनल पोर्शन हो गया जी जी, ये यहाँ पर आकर ओपन हो जाता है, ठीक है जी। और मेल गोनोपोर भी है, कोलेटरल ग्लैंड भी है, और स्पर्मेटिकल ओपनिंग भी वहां पर मौजूद होती है। ये स्पर्मेटिकल ओपनिंग हो गई यहाँ पर, और ये एंटीरियर पार्ट में ही क्या हो जाती है, ब्रांच टाइप की कोलेटरल ग्लैंड्स भी आकर ओपन होती है इस चैम्बर के डोर्सल साइड में। तो सर ने जो अभी डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम है वही व्यू है बिल्कुल, एक नंबर, दो नंबर और ये तीन नंबर। और लेटरली अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से ये लेटरल व्यू है इसका, ये लेटरल व्यू हो गया, सबसे ऊपर जो वो एनस हो गया और फिर जो कोलेटरल ग्लैंड है उसकी डक्ट की ओपनिंग ये हो गई, और उसके बाद में जो फीमेल गोनो इसके बाद में जो स्पर्मेथिका उसकी ओपनिंग हो गई, और सबसे नीचे की तरफ जो फीमेल गोनोपोर यहाँ पर हो गया फीमेल गोनोपोर। तो ये सारी ये टोटल फोर ओपनिंग है, और ये चारों की चारों ओपनिंग जो है इस एंटीरियर चैम्बर के अंदर ऊपर। बिल्कुल, तो ये सर ने ये जो डायग्राम बनाया है ये कौन सी साइड बताया, लेटरल व्यू, ये लेटरल व्यू है, लेकिन इसमें हेड किधर होगा इस कॉकरोच का, हेड ये हेड इस तरफ है, ये हेड कहलाएगा, मतलब एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, एंटीरियर पार्ट ऑफ जेनिटल चैम्बर, इसका मतलब इस चैम्बर की बात कर रहे हैं तो इसका एंटीरियर पार्ट ये वाला कहलाएगा, पोस्टीरियर पार्ट ये वाला कहलाएगा। ये जो ओपनिंग्स बताई गई हैं ये पोस्टीरियर रीजन की हैं, और एंटीरियर रीजन पर ओपनिंग है ये जेनिटल चैम्बर में एंटीरियर की बात, जेनिटल चैम्बर में एंटीरियर की बात हो जाएगी। इसका जरूर याद रखना है, ये जो कोलेटरल ग्लैंड्स हैं ये इसके रूफ में आकर ओपन हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सारी स्ट्रक्चर हो जाएंगी, फोर्स चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मेल जेनिटल पाउच। मेल जेनिटल पाउच में मेल के भी पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, एक जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है, जो 9th और 10th तो टर्गाइट जो डोर्सल साइड की हैं, और नीचे वाली कौन सी कहलाएगी, 9th स्टर्ना कहलाती है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर एक पाउच जो है वो इसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। तो इनकरेक्ट पूछा है इसके रेस्पेक्ट में, इट इज बाउंडेड बाई 9th 10th टर्गा एंड 9th स्टर्ना, ये हो जाएगा ठीक है। इट कंटेन डोर्सल एनस एंड वेंट्रल मेल जेनिटल पोर, ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है, ये भी ठीक है। इट बियर 3 पेयर ऑफ गोनोपोफाइसिस, नहीं कितने, 3 होते हैं, पेयर नहीं होंगे, केवल 3 ही कहलाएंगे, लेफ्ट राइट और वेंट्रल, वेंट्रल लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर, ये कहलाता है ठीक है। तो इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया, लोकेटेड एट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के पोस्टीरियर पार्ट पर पाया जाता है। इसमें ये वाली जो बात है ना, ऑप्शन नंबर 2 वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोर्सल में तो क्या होता है, वेंट्रल में क्या होता है, डोर्सली जी। और जो अभी एक डायग्राम बनाया था अपने लेटरल व्यू वाला पोस्टीरियर सा, वैसे इसको भी बता सकते हैं, हाँ ये लेटरल व्यू हो गया पोस्टीरियर साइड, ये एनस हो गया, ये मेल गोनोपोर हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे डक्ट जो है फैलिक ग्लैंड वाली, फैलिक ग्लैंड की डक्ट, तो ये जो है 3 ओपनिंग है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फीमेल की बात करें तो वहां पर 4 ओपनिंग, बिल्कुल। और ये फैलिक ग्लैंड की जो डक्ट आकर ओपन हो रही है, इसके लिए भी आप याद रखना, ये जो वेंट्रल फेलोमियर होता है लेफ्ट साइड, हाँ उसमें लेफ्ट साइड के ऊपर, ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, कि फेलिक ग्लैंड की डक्ट जो है वो कहाँ ओपन हो, किस फेलोमियर की, किस फेलोमियर पे हो, लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले। और मेल गोनोपोर के लिए वेंट्रल, वेंट्रल फेलोमियर, तो मेल गोनोपोर की ओपनिंग होती है वेंट्रल फेलोमियर पर, ठीक है, और जो फेलिक ग्लैंड है उसकी ओपनिंग होती है लेफ्ट फेलोमियर। तो चले आगे, तो आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जी सर, Not responsible for sexual dimorphism. Cockroach के अंदर पूछा है, male female के अंदर ऐसी कौन सी structure है जो इनमें sexual dimorphism में involved? कहने का मतलब दोनों में ही पाई जाती है वो शायद। जी हाँ, दोनों में common हो। हाँ हाँ, उसको देखकर अपन बता नहीं सकते morphologically कि male कौन है या female कौन है। जी 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 सर। तो anal style केवल male में है। हाँ। और ये मेल जो है उसके अंदर जो 9th sternite है, वहाँ से lower side से ऊपर निकलते हैं, तो ये केवल male में होता है, अनसेगमेंटेड होता है, अनसेगमेंटेड कह रहा है। और एब्डोमेन में भी डिफरेंस है, जो मेल है उसके अंदर ट्यूबुलर एब्डोमेन होता है, जी जी जी, और जो फीमेल है उसके अंदर थोड़ा सा वो ब्रॉड हो जाता है, और बोट शेप हो जाता है, बोट शेप का जो 7th 8th 9th स्टर्नाइट है वो बोट शेप की हो जाती है कंबाइनली, लेकिन ऐसा मेल में नहीं देखा जाएगा। और विंग्स जो है वो मेल में बड़े होते हैं और फीमेल में छोटे होते हैं, फीमेल में छोटे होते हैं, एब्डोमेन को भी क्रॉस कर जाते हैं, एब्डोमेन के भी पीछे तक एक्सटेंड कर जाते हैं, उसके आगे चले जाते हैं। और जो विंग्स एक्सटेंड करते हैं उनके लिए भी आप याद रख लेना, ये प्रोथोरेसिक विंग कहलाते हैं। जी जी जी। और फीमेल में वो बस एब्डोमेन की टिप तक आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें अपने टेग्मिना कहा था, जो मैंने कहा था ना
प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेसिक, वो मीजोथोरेसिक विंग है और अगला पेयर जो है वो मेटाथोरेसिक कहलाता है। तो जो मीजोथोरेसिक विंग है जिन्हें टेग्मिना कहा जाता है, ये बॉडी का जो एब्डोमेन का एंड पार्ट है उसके भी पीछे बियॉन्ड तक एक्सटेंड कर जाते हैं, एनसीआरटी की ही लाइनें हैं, ठीक है। फिर एनल सर्काई दोनों में सेगमेंटेड सेक्टर गाइड्स है ना, सेगमेंटेड सेगमेंटेड ये स्ट्रक्चर कहलाती है। तो ये वाली वो स्ट्रक्चर है जो मेल में भी पाई जाती है, फीमेल में भी पाई जाती है। इसका मतलब है ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज। और एक और बता सकते हैं, एंटीना जो है फीमेल में बड़ी होती है। हाँ, एंटीना बड़ी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो चले आगे जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द स्ट्रक्चर विच अराइजेज फ्रॉम द प्रोथोरेक्स ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के प्रोथोरेक्स से बात कर रहे हैं। तो एक तो एक्चुअल में अपने क्या बोलता है, हेड रीजन पाया जाता है, थोरेक्स पाया जाता है, एब्डोमेन पाया जाता है, क्या नहीं पाई जाती है, नेक नहीं पाई जाती है, लेकिन एक नेक के जैसी स्ट्रक्चर जरूर होती है। प्रोथोरेक्स से एक्सटेंडेड ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रोथोरेक्स से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, इसी को ही, हाँ सर ने बना दिया था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये इसी का ही पार्ट कहलाता है। और ये वो पार्ट है जो आर्टिकुलेट करता है बच्चों, किससे, इसकी इसी के ही माउथ पार्ट से, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या बन जाता है इसका, सर्विकम रीजन बन जाता है, सर्विकम, बिल्कुल। तो सवाल ये भी बन सकता है कि कॉकरोच में नेक के जैसी स्ट्रक्चर क्या पाई जाती है, तो वो सर्विकम कहलाती है, वो एक्सटेंशन होती है किसका, प्रोथोरेक्स का ही एक्सटेंशन वो कहलाती है, ठीक है। एक तो सर्विकम अराइज हो गया, और इसके अलावा जो थोरेसिक सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, इनसे वन वन पेयर जो है वो लेग भी अराइज होती हैं, और इनको क्या बोला गया है, जॉइंटेड अपेंडिजेज के रूप में बात की गई है इनकी, तो थ्री पेयर ऑफ लेग्स, हेक्सापोडा भी इन्हें कहा गया है। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही चला जाएगा। विंग्स, विंग्स याद नहीं रखना है, हाँ, विंग्स ऑफ मीजो से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पेयर ऑफ लेग, ठीक है, ये बात तो ठीक है। एंड फोर विंग तो मीजो से अराइज होती है, फोर विंग एंड सर्विकम, सर्विकम तो ठीक है, लेकिन फोर विंग मीजो से आ जाएंगी। एंटीना की बात ना हेड से होता है, वो तो हेड रीजन से कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, अपन ने पीछे में डिस्कस किया था, बिल्कुल बिल्कुल, जो नंबर में 100 से 150 होती है, येलो कलर की होती है, एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन में दोनों में पार्टिसिपेट करती है, और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे होती है, या मिड गट या इलियम, इलियम, अगर हाइंड गट नहीं दे तो हाइंड गट का पहला पार्ट इलियम दे देगा। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसके अकॉर्डिंग फिर पहला सही है, पहला सही है, 100 टू 150 होती है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन, ये भी सही है। फिर लिखा दिस डू नॉट प्ले इन द रोल ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, दोनों होते हैं एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन, जी सर। और रिमूव वेस्ट फ्रॉम हिमोलिम्फ, ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगा, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा जी। यतेंद्र सर, यहाँ पर एक्सक्रीशन की जहां पर बात आती है, वहां पर ये हीमोशिलोमिक जो कैविटी है उसका मैल्पिगियन ट्यूब्यूल का प्रोक्सिमल पार्ट तो कहलाएगा हैंड लिम्ब और मिड गट के पास वाला, और डिस्टल एंड इसका कहलाएगा जो हीमोलिम्ब की तरफ है जी। तो इसको अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बच्चों को थोड़ा सा बता दें, तो जी यतेंद्र सर ये रह गया जैसे, ठीक है। तो ये वाली अपनी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल बन गई बच्चों, ये वाला एंड इसका कौन सा कहलाता है, डिस्टल एंड कहलाता है, ये वाला एंड इसका कौन सा कहलाता है, प्रोक्सिमल एंड कहलाता है, ठीक है। आगे एक्सक्रीशन की जहां पर बात आती है, वहां यतेंद्र सर एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जैसे ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल है, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल हो गई, और यतेंद्र सर ये इसका कौन सा एंड हो गया, ये इसका डिस्टल एंड कहला गया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये अपना एक्सक्रीशन तो यूरिक एसिड के रूप में करेंगे, लेकिन हीमोलिम्फ से एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेंगे, पोटेशियम यूरेट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर याद रखें कि हीमोलिम्फ में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को किस रूप में अब्जॉर्ब किया जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल नाइट्रोजनस वेस्ट, तो पोटेशियम यूरेट ये कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो इसकी वॉल होगी, यहाँ पर कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उसके रिजल्टेंट जो है वो यूरिक एसिड बाहर की ओर निकल जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्यूट वाटर भी मूव करता है, इसीलिए अपन कहते हैं एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन, दोनों में हेल्प करेगा। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच एंड देयर फंक्शन। इनकरेक्ट मैच पूछा है, ठीक है, मैंडिबल कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ द फूड, बिल्कुल ठीक बात है, फेरिंग्स सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, नहीं सलाइवा के लिए तो सेलिवरी ग्लैंड्स है, हाइपोफेरिंग्स के रूप में जो ओपन हो रही थी हाइपोफेरिंग्स रीजन पे, ठीक है, तो वो कहलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना। मैक्सिलरी टू होल्ड द फूड, बिल्कुल ठीक बात है, और मैक्सिलरी पल्प जो है वहां पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं टेस्ट के लिए, और टेस्ट के रिसेप्टर को कीमो रिसेप्टर कहा जाता है, तो ये बात भी क्या होगी, ठीक होगी। तो इनकरेक्ट कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन. जी सर. कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ पेरिप्लेनेटा एंड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट. जी, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है. ठीक है. ओपन टाइप का होता है और न्यूरोजेनिक हर्ट है. न्यूरोजेनिक हर्ट है बॉडी के सबसे अपर चेंबर में, जिसको डोर्सल साइड अपन बोलते हैं, पेरिकार्डियल साइनस. बिल्कुल बिल्कुल. 13 फनल होती है इसमें. जो डायफ्राम पाया जाता है, डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम, वो इसकी बॉडी कैविटी को 3 रीजन में डिवाइड कर देता है. सेंट्रल पार्ट जहां से एलिमेंट्री कैनाल गुजरेगी वो तो पेरिविसरल साइनस कहलाता है, और उसके डोर्सल में जो पाया जाता है पेरिकार्डियल कहलाता है, और सबसे वेंट्रली जो होता है वो पेरिन्यूरल कहलाता है. तो ये तो बन जाएगा पेरिविसरल साइनस, ये बन जाएगा पेरिकार्डियल साइनस, और ये बन जाएगा पेरिन्यूरल साइनस. जी सर. तो इस वाले चेंबर के अंदर ट्यूबुलर हर्ट है, जिसके अंदर टोटल 13 चेंबर मौजूद होते हैं. इसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर इसका नर्वस सिस्टम है, जैसा कि इनवर्टिब्रेटिव होते ही. ठीक है ना. डबल सॉलिड वेंट्रल साइड में होता है, और वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं. ब्लड वेसल्स अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है इनिशियली कह सकते हैं, और ओपन टाइप का, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है. तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप होता है. ब्लड वेसल्स आर वेल डेवलप नहीं होती है. जी, इनिशियली प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप नहीं है. हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलर्ड प्लाज्मा एंड हीमोसाइट. हीमोसाइट्स तो होती हैं, लेकिन पिगमेंट्स वगैरह अब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये गैसियस ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है. बिल्कुल ठीक बात है. और हर्ट इज 13 चेंबर, ये वाला सही है. हर्ट 13 चेंबर है, और जो ऑस्ट्रिया इसके अंदर है वो आपके 12 पेयर है. वो 12 पेयर होते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो चेंबर रहेगा उस लास्ट वाले चेंबर पर ऑस्ट्रिया की प्रेजेंस. ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट थोरेसिक चेंबर, फर्स्ट थोरेसिक चेंबर. जी जी, उसमें अब्सेंट होते हैं, ऐसा भी अपन कह सकते हैं. जी जी, जो सबसे पहला फर्स्ट थोरेसिक चेंबर है उसके अंदर ऑस्ट्रिया नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. एंटीरियर एओर्टा भी उसको बोला गया है, एंटीरियर उसके अंदर ऑस्ट्रिया अब्सेंट होते हैं. जो प्रोथोरेक्स रीजन से जो ब्लड को लेकर हेड रीजन में पहुंचेगा उसे एंटीरियर एओर्टा के नाम से भी जाना जाता है, और ये हर्ट का जो है वो फर्स्ट चेंबर कहलाता है. और एलेरी मसल्स वाला वो याद रख सकते हैं, 12 पेयर होती है, फैन शेप्ड कहलाती है. ठीक है. अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, इन एलेरी मसल का ब्रॉड एंड तो कहाँ जुड़ा होता है, नैरो एंड कहाँ जुड़ा होता है. इसी डायग्राम से पता कर सकते हैं कि नैरो जो है वो टरगाइड से, टरगाइड से, ब्रॉड जो है वो डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम से. ये वाला बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एलेरी जो मसल है, ये एलेरी मसल वो मसल है जो एक्चुअल में क्या करवा रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करवाएंगे. ठीक है. और ये क्या कहलाती है, एलेरी मसल कहलाती है. तो इनका नंबर बच्चों को याद रखना, एलेरी मसल का, ऑस्ट्रिया का, वाल्व का, और हर्ट के चेंबर का. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो एलेरी मसल कितने कितने हो गए सर, 12 पेयर. एलेरी 12 पेयर हो गई, और ऑस्ट्रिया भी कितने हो गए, 12 पेयर के अलावा. हर्ट के चेंबर कितने हो गए, वो 13 चेंबर पेयर नहीं है, वो 13 चेंबर ही है. और कई बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं 13 हर्ट पाए जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी सी चीज भूल जाते हैं. 13 हर्ट नहीं भैया, हर्ट तो एक ही होता है, लेकिन चेंबर कितने हो गए, 13. तो कौन से ठीक हो गए इनमें, तो पहला ठीक है, दूसरा रोंग हो गया जी, तीसरा हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ, ये रोंग हो गया जी, ये करेक्ट हो गया. तो बी एंड सी, लेकिन अपने से करेक्ट पूछा है, इसका मतलब ए एंड डी, ए एंड डी का ऑप्शन जी आपकी तरफ ही है, ए एंड डी जी, ये वाले करेक्ट. हाँ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर चला जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14, द गिवन फिगर शोज दिस सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोडेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ए बी सी डी. एनसीईआरटी का डायग्राम है भैया, और एनसीईआरटी के डायग्राम में इस ए को क्या कहा गया है, ये कहलाता है नर कोड, ये नर कोड, नर कोड. ठीक है. और ये जो बी है ये क्या कहलाती है, नोटोकोड, जो आगे चलकर वर्टिकल कॉलम बनाती है. बिल्कुल बिल्कुल. नोटोकोड का ये हो गई, ये फेरेंगियल बिल्स स्लिट्स हो गए, स्लिट्स हो गई. बिल्कुल. और वो लास्ट वाला पार्ट जो है ये इसका पोस्ट एनल टेल, एनल टेल. तो ए क्या है, नर्व कॉर्ड. तो ए नर्व कॉर्ड देखें, ये गलत, ये गलत, ये गलत. ए नर्व कॉर्ड है, बी नोटोकॉर्ड है, सी पोस्ट एनल लगे, देखो देखिए सी पोस्ट एनल टेल, और डी गिल स्लिट्स है. तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. इसमें नर्व कॉर्ड एक्टोडर्मल है, सिंगल है, डोर्सल है, और होलो होलो है. नोटोकॉर्ड सॉलिड है,
मेसोडर्मल है, मेसोडर्मल है, एम्ब्रियो को सपोर्ट देती है और आगे चल के एडल्ट में वर्टिब्रल कोलम के फॉर्म में सपोर्ट देती है। बिल्कुल ठीक बात है। गिल स्लिट सर्कुलेशन में हेल्प करी है फ्लूइड की, और पोस्टिनल टेल बैलेंस की फॉर्म में, बैलेंसिंग के फॉर्म में पाया जाता है, और इसे फोर्थ कॉर्डेट करेक्टर के नाम से भी। और फंडामेंटल अगर जैसे एनसीएडी लाइन में पहले बताया नर्व कॉर्ड, नोटो कॉर्ड और गिल स्लिट, ये तीनों फंडामेंटल। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द कॉकरोच के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। हर्ट लोकेटेड मिड वेंट्रली, नहीं मिड डोर्सली पाया जाता है, विद 12 पेयर ऑफ ऑस्टिया, ये बात तो क्या है सही है, लेकिन इस वेंट्रली की वजह से क्या हो गया, रॉन्ग मिसमैच पूछा है क्या, तो आंसर भी यही चला जाएगा। एलरी मसल 12 पेयर होगी, एलरी मसल 12 पेयर होगी और ये हर्ट को सपोर्ट भी करती है। वेंट्रल डायफ्राम जो है वो डिवाइड द पेरिन्यूरल एंड पेरिविसरल साइनस, बिल्कुल। This one is known as dorsal diaphragm और this one is known as ventral diaphragm। और ventral diaphragm जो है इसको बोला है बच्चों ventral diaphragm, ये कहला गया ventral diaphragm, ये हो गया perivisceral sinus PVS, और ये कहला गया perineural sinus, neural sinus, ठीक है, तो इन दोनों को divide करते हैं, ठीक है। Heart chamber provided with the walls, backflow of blood को backflow में काम करते हैं। यहाँ पर एक ये जो ओस्टिया वो सॉरी जो चैम्बर पाया जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से ये चैम्बर पाया जा रहा था, ठीक है सर, इसको रिप्रेजेंट कर दें अपन, ये अपन यहाँ दिखा दें, बच्चे समझ जाएंगे इसी साइनसोइड की बात हो रही है। तो इस प्रकार के चैम्बर पाए जाएंगे ये तेंद्र सर जी, क्योंकि वहां पर प्रॉपर स्पेस नहीं है इसलिए अपन नहीं पाया, और अगला जो चैम्बर होगा वो बच्चों वही इस टाइप से कहलाएगा, ठीक है। ये जो चैम्बर है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वो पोर पाए जाते हैं, जहां से होते हुए पेरिविसरल साइनस से यहाँ पर भी स्पेस मिलेगा, फेनेस्ट्रा कहा जाता है, डायफ्राम में जो स्पेस होता है जिनसे होते हुए ब्लड जो है वो पेरिन्यूरल से पेरिविसरल जाएगा, पेरिविसरल से पेरिकार्डियल जाएगा, और पेरिकार्डियल से फिर हर्ट में किसके थ्रू पहुंचेगा, ओस्टिया, इन्हीं ओस्टिया के थ्रू पहुंचता है, ये क्या कहलाते हैं, ओस्टिया कहलाते हैं। एक चैम्बर पर कितने ओस्टिया, दो ओस्टिया होते हैं, तो फिर एक चैम्बर में एब्सेंट होते हैं तो बाकी के 12 चैम्बर बच गए, तो 12 पेयर ओस्टिया हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 जी सर। हाउ मेनी सेगमेंटल गैंग्लिया आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल नर्व कॉर्ड, है ना, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में बात की है, तो जैसे ये तो हर्ट हो गया, ठीक है, और फिर ये प्रोथोरेक्स हो गया, ये मीजोथोरेक्स, ये मेटाथोरेक्स, और फिर मान लो ये एब्डोमेन है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तो सेरिब्रल गैंग्लिया की फॉर्म में ब्रेन होता है, बिल्कुल, और ठीक फिर है। एक गैंग्लिया जो है फर्स्ट वाला सेगमेंटल गैंग्लिया वो थोरेक्स 1 में, फिर दूसरा थोरेक्स 2 में, ठीक है, तीसरा थोरेक्स 3 में होता है, जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, उसे लैटरल नर्व बियर सेगमेंट के अंदर सप्लाई देती है। तो तीन तो हो गए सुनील जी थोरेक्स में, थोरेक्स में हो गए, और फिर एब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 सेगमेंटल गैंग्लिया जो है वो एब्डोमेन में, एब्डोमेन के अंदर जो वेंट्रली डबल नर्व कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल, टोटल 9 टोटल गैंग्लिया तो कितने हैं बच्चों, 9 कहलाते हैं, ठीक है, और 6 कहां पाए जाते हैं, एब्डोमिनल रीजन में, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा, इसमें एब्डोमिनल पूछे, थोरेसिस पूछे तो 3 है, टोटल पूछे तो 9 है, टोटल पूछे तो 9 कहलाते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो इस बार भी नीट में क्वेश्चन आया था कि अगर हेड हटा दे तो क्यों जिंदा रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ नर्व सिस्टम का पार्ट बिल्कुल वेंट्रली मोशन, तो ए एनसीईआरटी की लाइन की अगर मैं बात करूं, ए बिट ऑफ न्यूरल सिस्टम इज प्रेजेंट इन हेड रीजन व्हाइल द मोस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम इज प्रेजेंट इन थोरेक्सिक एंड एब्डोमिनल सेगमेंट, वेंट्रल साइड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रीजन ऑफ पेरिप्लेनेटा, और इसके विजन की अगर बात करें तो वही एनसीईआरटी की दोनों लाइनें आ जाती हैं, मोर इन सेंसिटिविटी बट लेस इन रेजोल्यूशन, तो इमेजेस तो ये देख पाता है, और इमेजेस थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा क्योंकि नॉक्टर्नल बोला है इसको, तो एक कम लाइट की प्रेजेंस में भी इमेजेस देख पाएगा, लेकिन उन इमेजेस को क्लियरली रीजन नहीं कर, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट सेंस कर पाएगा, बस मूवमेंट सेंस कर पाएगा, अगर जैसे सामने मेरे कॉकरोच बैठा है, अरे आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो बच्चे हो, ठीक है, सामने जैसे मेरे कॉकरोच है, वो कॉकरोच मेरे को देख रही है, ठीक है, अब मेरे को जब वो देख रहा है तो फिर वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पर कुछ हाथ भी हिल रहा है ऐसे ये, लेकिन उसको ये नहीं पता लग रहा नाक कहाँ पे है, मेरी आंख कहाँ पे है, कान कहाँ पे है, तो इस प्रकार का रिजोल्यूशन जो है वो उसमें नहीं पाया जाता है। सेंसिटिविटी जो है नो डाउट ग्रेट होती है इसमें, क्योंकि कम लाइट की प्रेजेंस में भी ये विजन कह सकते हैं ना, मोजेक विजन भी इसको कहा जाता है, बहुत ही शानदार चीज बताइए आपने, क्या कहा जाता है इसको, मोजेक विजन कहा जाता है,
ठीक है बच्चों, तो आंसर कौन सा चलाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चले जी क्वेश्चन नंबर 18। जी सर, फीमेल कॉकरोच की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग बात हो रही है कि उसका कौन सा एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो इसका मतलब जिसकी स्ट्रक्चर का वो फॉर्मेशन करे, तो स्पर्मेटिका है वन पेयर जो मेल के स्पर्म को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान ये मेल से स्पर्म को रिसीव करके इसी के अंदर स्टोर कर लेते, ठीक है। कोलेटरल ग्लैंड सही है कि जब ये एग को बाहर रिलीज करता है, फर्टिलाइज करती है, उसके बाद में उन एग जो है उनको एक चैम्बर, एक थिकल चैम्बर में क्लोज करता है, उसको ऊथिका कहते हैं। ऊथिका कहते हैं, तो ऊथिका एक सेकुलर स्ट्रक्चर है और उसको ये कोलेटरल ग्लैंड जो बनाते हैं। कोलेटरल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो ऊथिकल केस बनाता है। जी, ऊथिकल केस जी। और ओवेरियोल्स भी उसके ओवरी का पार्ट है ना, इसका सेगमेंट जरूरी याद रखना ओवेरियोल्स का। जी, सेकंड सेगमेंट टू दी, हाँ मतलब बॉडी के अंदर जो पोजीशन है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बॉडी के सेकंड एब्डोमिनल से लेकर सिक्स्थ एब्डोमिनल तक एक्सटेंडेड इस साइड में क्या पाए जाते हैं, 8 ओवेरियोल्स पाए जाते हैं। जी, और ऊथिका जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। बिल्कुल, वो स्ट्रक्चरल नहीं है क्योंकि ऊथिका तो वो स्ट्रक्चर है जिसको ले आउट करेंगे, ठीक है, और ऐसी जगह पर ले आउट किया जाता है जो कैसी हो, मॉइस्चर वाली, मॉइस्चर हो, जहां पर फूड भी प्रॉपर अवेलेबल, फूड भी प्रॉपर, ये ऊथिका हो गई, उसके अंदर दो रो के अंदर ये एक जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा बच्चों, इन एम्फीबियंस एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट भी ओपन हो जाए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऐसा तो क्लोआका ही कहलाता है, या अवस्कर हिंदी में इसको बोला। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हिंदी में जो है अवस्कर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उभयचरियों में आहार नाल, मूत्र नलिकाएं और प्रजनन मार्ग एक समान कक्ष में खुलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों की ये शिकायत भी रहती है, सर हिंदी में तो नहीं पढ़ा। अरे बोले आदमी हो, लिख रखा है ना, वो तो एक में ही पढ़ेंगे और समझा तो हिंदी में ही रहे ना, तो कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्लोआका या अवस्कर। अच्छा, एम्फीबियन में रेप्टाइल में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है, और अंडे देने वाले एक लिंग मैमल्स में भी होता है, फिश में, कॉन्ट्रैक्टीज में बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओस्टिक्टीज में, ओस्टिक्टीज में क्लोआका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 20 जी, कॉमन करेक्टर बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल, तो टेम्परेचर वाला देख सकते हैं, दोनों जो है होम्योथर्मिक, एंडोथर्मिक का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है, पिन्ना मैमल में ही होता है, और ये कहें कि सभी में होता तो गलत हो जाएगा, ठीक बात है, ज्यादातर मैमल में पिन्ना होता है, और ये केवल मैमेलियन फीचर की है, मैमेलियन फीचर ही है, एक्सटर्नल ईयर रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा, ईयर पिन्ना के द्वारा। जी, और टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन की बात करें तो मेल के अंदर तो बॉडी हेयर है जो डिराइव्ड कैरेक्टर है, जो इससे पहले किसी में भी नहीं था, ठीक बात है, मैमल में, ठीक है, और जो बर्ड्स हैं उसके अंदर जो स्केल्स हैं रेप्टाइल वाले, क्योंकि इनका एंसेस्टर रेप्टिलियन ही था, तो स्केल्स के जगह इनमें फीदर्स आते हैं, फीदर्स आ जाते हैं, फीदर्स मैमल में नहीं होते, ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। ग्लैंडुलर स्किन की अगर बात करें सुनील जी, तो ये बर्ड्स ही तो नॉन ग्लैंडुलर, क्योंकि बर्ड्स में तो केवल यूरोपाइजियल ग्लैंड के नाम से एक नाममात्र की ग्लैंड पाई जाती है टेल के बेस रीजन में, ठीक है, जैसे ये तोता बना दे, अब तोता पूरा तो बनाएंगे नहीं तो तुम हंसने लग जाओगे, बोले ये क्या तोता बनाए, ठीक है, तो ये इसकी जो टेल रीजन है इस रीजन पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड के रूप में ये प्रेजेंट होती है। जी सर, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, होम्योथर्मी, जो दोनों के अंदर कॉमन है, फर्स्ट एंडोथर्मिक जो वर्टिब्रेट है बर्ड्स याद रख सकते हैं, ठीक है, तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, फिश काइमेरा सोज फीचर लाइक, ये कनेक्टिव लिंक है, हाँ कनेक्टिंग लिंक है कॉन्ड्रिक्टीज और ऑस्टिक्टीज के बीच, ऑस्टिक्टीज के बीच, इसमें सुनील जी प्लेकोइड स्केल्स हो गए, बिल्कुल ठीक बात है, और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन हो गया, तो प्लेकोइड स्केल एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन ये तो फीचर है किसका, कॉन्ड्रिक्टीज का, और बोनी का जैसे ओपरकुलम, ओपरकुलम का पाया जाता है, गिल्स जो ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो और ये ओवीपेरस होती है, बिल्कुल बिल्कुल ओवीपेरस कहलाती है, और इसमें पूछा है बोनी एंडोस्केलेटन होता है, नहीं कार्टिलेजिनस होता है, तो ये रोंग हो गया, बॉडी कवर्ड बाय साइक्लोइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, ये सही है, बिल्कुल, और वीवीपेरेटी की अगर बात करते हैं ये ओवीपेरस है, ये ओवीपेरस कहलाती है, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल, तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3 चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर या फीचर्स आर ऑफ प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट यूरोपोडेटा एंड सिफिलोपोडेट की ये बात करें, एक्सक्लूसिवली मैरिन कहलाती है, बिल्कुल ठीक बात है,
मतलब कौन से यूरोकोडेट्स जो है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दर्शाते हैं। कहने का मतलब मोर डेवलप्ड लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू लेस डेवलप्ड एडल्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। सारे के सारे फीचर ही किसके हैं भैया? प्रोटोकोडेट के कहलाते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रोटोकोड मतलब प्रोटोकोडेट मतलब क्रेनिएट्स। क्रेनिएट्स बिल्कुल बिल्कुल। तो चले प्रोटोकोडेट मतलब तो कभी कभी क्या होता है फ्लो में ऐसे नाम निकल जाते हैं। प्रोटोकोडेट का मतलब एक क्रेनिएट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यूकोडेट मतलब क्रेनिएट्स। यूकोडेट मतलब क्रेनिएटा। क्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम पाई जाती है। और क्रेनियम क्या है? ब्रेन के बाहर पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर जो है, एनवेलप जो है, या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है इसको। जी सर, टेट्रापोडा में बॉडी के रेस्पेक्ट में बात की है। टेट्रापोडा मतलब एम्फीबियन से लेकर के मैमल्स तक। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स। तो नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड मे परसिस्ट इन अडल्ट। नहीं, ये वाला जो जैसे टेट्रापोड में अगर देखें तो कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें नोटोकोड जो है अडल्ट स्टेज में परसिस्ट करे। नॉट इवन ए सिंगल, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है भैया। सभी टेट्रापोड में नोटोकोड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में। इसलिए वर्टिब्रेट के अंडर इंक्लूड किया जाता है इनको। जी सर, फिर नर कोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड लॉस्ट इन एडल्ट। क्योंकि नर कोड जो है वो तो आपका नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, अगर उसका लॉस हो गया तो फिर तो एनिमल जो है उसके भी सर्वाइव करने के चांसेस नहीं रहेंगे। नोटोकोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है, एंड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन ऑल एडल्ट फॉर्म। क्योंकि तभी तो इनको थर्ड सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर रखा गया। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर क्रॉस चेक कर दो। हाँ, नर कोड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। पूरा ही गलत हो गया। नोटोकोड रिप्लेस होती है। ठीक है, तो आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 3। भाव चौक क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा। टीनोफोरा शोज द एफिनिटी विद एनिमल्स ऑफ द फाइलम। तो टीनोफोरा जो है वो किससे एफिनिटी शो करते हैं? उससे ठीक पहले वाले, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, वो भी डिप्लो है, वो भी है। रेडियल सिमेट्री टीनोफोरा में पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री जो है वो किसमें? सिलेंट्रेटा में भी प्रेजेंट होती है। कुछ बाय रेडियल हो सकते हैं, लेकिन रेडियल भी होती है। हाँ, रेडियल। एनसीईआरटी ने तो इसके लिए रेडियल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिप्लोब्लास्टिक हो गए दोनों के दोनों। और ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिलेंट्रेटा में भी है और टीनोफोरन्स में भी पाया जाता है। सिलेंट्रेट रखेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? निडेरियंस। और निडेरियंस बोले तो सिलेंट्रेट ये कहलाता है। इसमें बस वो स्टिंगिंग सेल का जरूर आपको याद रखना है। स्टिंगिंग सेल यहाँ तो निडेरियन में तो मिलेंगी नहीं, पाई जाएंगी किसमें? टीनोफोर्स में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जी सर, फ्लैटवर्म में अडेप्टेशन के रिगार्डिंग पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन अडेप्टेशन। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया। तो जैसे बॉडी कवर्ड बाय टैग्यूमेंट, ये अच्छा अडेप्टेशन है, होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। और फिर प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स ऑन बॉडी, जो बॉडी को होस्ट की बॉडी में अटैचमेंट में अटैचमेंट में और फूड के सक्शन में भी हेल्प करता है। तो इसके लिए याद रख लेना, हुक्स का फंक्शन तो क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। अटैचमेंट और सकर्स का हो जाएगा सक्शन ऑफ फूड, फूड को सक करना कुछ के अंदर, वो अटैचमेंट में भी हेल्प कर सकता है। सक्शन ऑफ फूड कहलाता है। ठीक है बच्चों। जी, और जैसे टीनिया में बात करें तो टीनिया में तो केवल सकर्स जो वो अटैचमेंट में ही इन्वॉल्व होंगे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें एलिमेंट के ना अब्सेंट होती है। और प्रेजेंस ऑफ फ्लैम सेल, ये कोई अडेप्टेशन नहीं है, है ना, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट कहलाएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अपन जो है अडेप्टेशन के अंदर ये दो लेंगे। इसके अलावा भी अडेप्टेशन हो सकते हैं, जैसे हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सबसे बेस्ट अडेप्टेशन है इसके अंदर, सबसे बेस्ट कहलाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेनी नो डाउट इनको बढ़ानी होती है। जो टीनिया है अपनी फ्लैट बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक बात है, ठीक। तो ये दो अडेप्टेशन बच्चे और यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशनल, और उसमें भी सबसे बेस्ट होगा हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन इनके पैरासिटिक अडेप्टेशन को रिप्रेजेंट ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट लें क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। सिस्टोड्स आर मोस्टली, सिस्टोड्स बोले तो प्लेटी हेलमिंथ से आएंगे। ठीक है भैया, तीसरी क्लास क्लास बनती है ये। तो ये फ्री लिविंग कहलाते हैं सिस्टोड्स। नहीं, ये क्या हो गया?
गलत हो गया। पैरासिटिक ये फॉर्म कहलाती है, पैरासिटिक फॉर्म बिल्कुल ठीक है। बोथ फ्री लिविंग एंड फ्री लिविंग नहीं है, टर्बिलेरियंस जो है फर्स्ट क्लास वो फ्री लिविंग। बिल्कुल बिल्कुल, तो टर्बिलेरिया जो फर्स्ट क्लास बनेगी वो फ्री लिविंग बन जाएगी, ये कैसे हैं पैरासिटिक कहलाते हैं। तो आंसर भी कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 मस्कुलर फेरिक्स इन एस्केरिस, तो ये जो है होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी के अंदर सक करने में करती है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा, कोई मैकेनिकल डाइजेशन भी नहीं कर रहा है, तो सक द फूड ये वाला सही है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 28, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुचेरिया की बात कर रहे हैं, मतलब एस्केलमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा, स्यूडोसिलोमेट होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही चला जाएगा। सेकंड गलत हो गया रेडियल सिमेट्री की वजह से, सेकंड गलत हो गया एंटेरोसिलोमेट की, डिप्लो की वजह से भी, हाँ डिप्लो की वजह से भी सही कहा है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बायलैटरल सिमेट्री बिल्कुल ठीक है, ट्रिप्लो ठीक है, एसिलोमेट दे दिया, एसिलोमेट तो प्लेटी कहलाते हैं, रेडियल सिमेट्री दे दिया गलत हो गया, डिप्लोब्लास्टिक गलत हो गया, स्यूडोसिलोमेट ये सही हो गया। तो आंसर कौन सा लगाया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर, ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ एनालिट्स, ज्यादातर जो एनालिट्स हैं उसके लिए कोई जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो उसकी बात यहां पर पूछी जा रही है। तो एनालिट्स जो हैं वो साइटोसिलोमेट होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड भी होते हैं और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सही है, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और साइजो वाला सही है, ट्यूब विद इन ट्यूब सही है, और रिप्रोड्यूस दोनों दे दिया इसलिए ये एसेक्सुअली नहीं होता, और एंटेरो नहीं होते साइजो इसलिए गलत हो गया, ये एंटेरो की वजह से गलत हो गया, और सिंगल नर को डबल होता है इसलिए रॉन्ग हो गया, ये सिंगल देने की वजह से रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट, चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर ऑफ एन आर्थ्रोपोड, तो आर्थ्रोपोड साइजो कहलाते हैं, होती है, मेटामेरिक होता है क्लोज्ड होता है, नहीं ओपन होता है भैया, तो क्लोज्ड और कहां दिया हुआ है, ओपन और यहां पर ओपन, अच्छा ओपन ही दिया हुआ है क्या, एंटेरो होते नहीं, बिल्कुल एंटेरो होते नहीं है, क्योंकि एंटेरो एकाइनो से स्टार्ट होता है। अब यहां पे देख लो दोनों में साइजो है जी, मेटामेरिक और अनसेगमेंटेड, ये अनसेगमेंटेड है नहीं होते, तो आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3 अपना बच जाता है, साइजो मेटामेरिक और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किसकी फीचर हो गए, आर्थ्रोपोड एनिमल जी। नेक्स्ट 31 जी सर, फिर है कि ऑल ऑर्थोपोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, सभी ऑर्थोपोड्स के अंदर जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, ठीक है, और काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मिलेगा, है ना, हाँ, मोस्ट क्यूटिकल इनका फीचर नहीं है, एनालिट्स में देखेंगे ये, और अगर अपन देखें कि जैसे क्रस्टेशियन है तो जो क्रस्टेशिया क्लास है उसके अंदर सिफलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो बच्चों को बता दें इसको सिफलोथोरेक्स हेड एंड थोरेक्स अलोंग विद क्या कहलाते हैं बच्चों, सिफलोथोरेक्स। तो कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें सिफेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन होता है, कुछ के अंदर हेड थोरेक्स एब्डोमेन अलग अलग होता है, क्रस्टेशियन में मिलेगा सिफेलोथोरेक्स, और कुछ में सुनील जी थोरेक्स और एब्डोमेन जुड़ जाता है जिसको ट्रंक बोल देते हैं, ट्रंक बोल देते हैं, हेड प्लस ट्रंक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो तीनों टाइप का होता है। तो यहाँ पर सभी ऑर्थोपोड्स के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो अपन इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। और हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन सही है। ओविपेरिटी ज्यादातर में है, लेकिन जैसे स्कॉर्पियो है उसके लिए अपन वीवीपेरस नेचर शो करता है, स्कॉर्पियन बिच्छू जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसलिए अपन जो है सबसे एप्रोप्रिएट थर्ड जो है हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बन जाएगा, और ये एक अनदर रीजन भी बन जाता है इनकी मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट होने का, सर्वत्र पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटियन नेचर इनकी इसी के कारण होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 32, द ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर वेक्टर ऑफ डिजीज, आप डिजीज के वेक्टर की बात करें तो कौन सा कहलाएगा भैया, डिजीज लोकस्टा होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा सेकंड वाला, लेसिफर हो जाएगा, बिल्कुल एडिस हो जाता है, ठीक है, ये एडिस ये हो गया, टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आप याद रख लें, माइट्स की अगर बात करें तो टाइफस फीवर हो जाएगा, ठीक है, ये टिक्स जो है ये जानवरों में एक बीमारी फैलाते हैं, बेबीसियोसिस, मतलब अलग अलग बैक्टीरियल वायरल डिजीज जो है ये कोज कर सकते हैं, इवन प्रोटोजोअन भी, बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोअन। और एडिस की अगर बात करें तो सभी जानते ही हैं कौन सा हो जाएगा भैया, डेंगू हो जाता है, येलो फीवर भी कोज करता है, बिल्कुल डेंगू। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है, इसमें लिमुलस की वजह से गड़बड़ हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर अगर देखें तो टर्माइट्स जो है वो अपने से मतलब डायरेक्ट अपने बॉडी के साथ
अपना हैबिटेट शो करते हुए कोई डिजीज कॉज नहीं करती, डिजीज कॉज डायरेक्टली नहीं करेंगे वो कोई भी। बॉम्बिक्स की भी बात करें तो ये भी इन्वॉल्व नहीं, इसमें एनोफिलीज हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो चले आगे। जी सर, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन इन मोलस्क आर ना, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। हाँ, डायोसियस एनिमल कहलाते हैं। और कोई परफेक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी इसमें नहीं, इसमें मेल और टाइप का। मतलब सबसे खास बात है कि है तो यूनिसेक्सुअल एनिमल, लेकिन अपन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर बता नहीं सकते कि ये मेल है या ये फीमेल है। थोड़ा बहुत कुछ में हो सकता है ना, जो फीमेल उसके अंदर सेल आउटर बड़ा हो सकता है, बाकी परफेक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अपन नहीं बताएं, नहीं पाया जाता इनमें। तो कैसे हो जाएंगे, सेम एनिमल में है नहीं, नहीं मेल और फीमेल डिफरेंट एनिमल में विदाउट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बिल्कुल ये बात सही हो जाती है। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 34 रहेगा बच्चों। द ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करें तो मोस्ट क्यूटिकल की बात तो करनी नहीं है, ट्रेकिया हो जाएगा, बुक लंग्स हो जाएगा, बुक गिल्स, बुक लंग, ट्रेकिया, ये आंसर चला जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो मेंटल, ये कहाँ पाई जाती है, मोलस्का का करेक्टर हो गया ये, ठीक है, स्किन के द्वारा नहीं होगा, तो फिर आंसर परफेक्टली कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर 2 चला गया। यहाँ पर ये याद रख लेना, बुक गिल्स की अगर बात करें तो स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर हो जाएगा। बुक गिल्स वो आपका लिमुलस, लिमुलस सॉरी लिमुलस, वो कौन सा हो जाएगा, लिमुलस। ठीक है, और बुक लंग्स स्कॉर्पियन वाला हो जाएगा, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ट्रेकिया ज्यादातर में है, जैसे मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में जाएगा, सेंटीपीड, मिलीपीड और इंसेक्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल, और वो गिल्स भी आते हैं एक्वेटिक क्रस्टेशियन, एक्वेटिक प्रॉन वगैरह। हां हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो गिल्स अकेले गिल्स की भी प्रेजेंस देखी जाती है एक्वेटिक क्रस्टेशियंस में। तो आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर 2। जी सर, ग्रुप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ऑर्थोपोड्स, तो ऑर्थोपोड में बच्चों को जो है वो यूरिया याद नहीं रखना है। हां हां, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, उसके अलावा गुआनिन भी उनके अंदर। हाँ, इसके लिए आप ये याद रख लेना, ये स्पाइडर में जी, स्पाइडर स्कॉर्पियन दोनों के अंदर, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। एक जेंथिन भी होता है, सुनील जी, जेंथिन एंड गुआनिन दोनों, ठीक है, स्पाइडर स्कॉर्पियन दोनों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में, तो यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, और जेंथिन गुआनिन भी होता है। बिल्कुल, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोचिडियम एंड वेलिगर आर सम ऑफ द लार्वा फॉर्म इन द लाइफ ऑफ लाइफ साइकिल, किसके एनिमल की लाइफ साइकिल में देखा जाता है, मोलस्का, मोलस्क के, जैसे हाँ, जैसे आपका ग्लोचिडियम है जी जी, तो ये यूनियो का हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, एग्जांपल भी लिख देते हैं, ग्लोचिडियम हो गया यूनियो, और वेलिगर के लिए पाइला लिखते हैं, ये प्रेजेंट होता है पाइला, एप्पल स्नेल जिसे कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पाइला एप्पल स्नेल हो गया ये, और बाकी इनमें सुनील जी मोलस्क की बात की जा रही है ना, तो इसमें ये ट्रोकोफोर भी बता सकते हैं ना, हाँ, ये एनालिड से रिलेटेड है, ये रिजेम्बलेंस शो करेगा, एनालिड और मोलस्का के बीच में जो है वो रिजेम्बलेंस आती है, और वो ट्रोकोफोर लार्वा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 37, नोट ए करेक्टर ऑफ बेलेनोग्लोसिस, ठीक है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, सही बात है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप का होता है, बिल्कुल क्लोज की वजह से गलत हो गई, और प्रोबोसिस ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है, ये सिंपल सा, बिल्कुल इनके प्रोबोसिस रीजन में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा ये एक्सक्रीशन का फिनोमेना भी दर्शाते हैं। तो क्या पूछा है आपने, इसे नोट पूछा है जी, नोट पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा बच्चों, व्हिच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मोलस्क आर यूजुअली ओविपेरस एंड सोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अभी लार्वा भी अपन ने देखे थे, ग्लोचिडियम वेलिगर, ठीक है, लोकस्ट इज ए ग्रीगेरियस पेस्ट, झुंड में रहने वाला होता है, सही बात है, लिमुलस इज ए लिविंग फॉसिल, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रोकोफोर इज लार्वा ऑफ लीच, लीच नहीं, नहीं अभी अभी बताया भी था इनको ना, एक्वेटिक एनेलिड, ये लीच जो एनेलिड है, और उसके अंदर सुनील जी जो पॉलीकिटा है जी जी, उसी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपका नेरिस जो है उससे एक्वेटिक एनेलिड का एग्जांपल कौन है बच्चों, नेरिस कहलाता है, तो नेरिस का लार्वा कौन सा हो गया, ट्रोकोफोर है, नाम भी लिख देते हैं एनिमल का, क्या दिक्कत है, नेरिस पॉलीकिटा का नाम, पॉलीकिटा का, बाकी आपका ओलिगोकिटा और जो हिरुडिनिया जो ब्लड सकिंग लीच, हिरुडिनिया, इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा होता ही है, इनमें लार्वा नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट इसलिए गलत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी एनलिड तो ये भी है लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट, हां लीच के लिए आप याद रख लेना, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, कोई भी लार्वा नहीं होता है। जी सर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन है ना, तो अब्सेंट पूछा है, तो ये जो है स्टार्ट वैसे कहां से हुआ है, आपके एनेलिड से हुआ है, एनेलिडा से हुआ है, पोरीपेरा से लेके एस के तक, हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है, ये भी याद रखना है कि फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन कहां देखा जाएगा, एनेलिड्स में देखा जाएगा जी, तो प्लेटी में है नहीं,
और हेमिकोडेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो अब्सेंट इन, अच्छा अब्सेंट पूछ रहा है ना, ये चला जाएगा तो ये चला जाएगा हेमिकोडेट में, एनेलिडा और इसके बाद के मेंबर में, इसमें ओपन हो गया और इसमें ओपन हो गया और इसके अंदर है, और ज्यादातर में क्लोज, कुछ के अंदर ओपन हो सकता है जैसे लीच, हाँ लीच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है इसका एक्सेप्शन। वैसे तो एनिलिडा के मोस्ट ऑफ द मेंबर में जो है क्लोज टाइप का सर्कुलेशन, एनसीईआरटी ने क्लोज ही लिखा है, क्लोज ही लिखा है, लेकिन फिर भी अगर एक्सेप्शनली बात कर ले तो वो लीच का याद रखना, लीच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा फाइनल, मैमल शोज ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, ऑलवेज तो नहीं है, एक्सेप्ट पूछा ना कि मैमल्स शो ऑल फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, अच्छा प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, अब्सेंट भी होती है, अब्सेंट भी बिल्कुल, होमियोथर्मी शो करते हैं ये, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और ये तो होता है ना सुना जी, ये तो मैमल में होता है, अच्छा एक्सेप्ट पूछ लिया ना इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इसको अपन मिटा के थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, किसको छोड़कर बाकी होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना होता है, होमियोथर्मी शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट एनी लार्वा स्टेज पाई जाती है, ऑल टीथ आर अलाइक नहीं होते, कैसे होते हैं, ज्यादातर मैमल्स जो उसके अंदर हेटेरोडोंट टीथ, हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन, एक्वेटिक मैमल में सुनील जी जैसे डॉल्फिन में जो है टीथ एक जैसे होते हैं, बिल्कुल होमोडोंट कह सकते हैं, होमोडोंट एक जैसे जो टीथ होते हैं उनको होमोडोंट कहा जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ का पाया जाना ये हेटेरोडोंट टाइप का डेंटेशन कहलाता है, ठीक है, जैसे लोअर जॉ के अंदर बात करें, ठीक है, ये होमोडोंट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैमल्स में डॉल्फिन का जो केस बनेगा क्रिटेशिया से बिलोंग करेगा, क्रिटेशिया ऑर्डर से, तो उसमें कैसा डेंटिशन पाया जाता है, होमोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन पाया जाता है, मोस्ट ऑफ मैमल में हेटेरो, और अगर ऐसा फ्रॉग में भी पूछ लिया जाता है तो फ्रॉग में भी एलाइक टीथ ही प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, हाँ, और उसमें भी अपन डिस्कस करेंगे फ्रॉग और टोड के अंदर डिफरेंस आ गया, अगली अगला जो लास्ट इसका होगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों ये आज का अपना लेक्चर जो है वो यही कंप्लीट होता है, ठीक है, तो आप इनको एंजॉय करें, काफी टाइम निकाल कर देखें, और टाइम पीरियड आपको पता ही है इसका फिक्स हो चुका है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके डेली जो है वो गुरु नीति वीडियो जाएंगे, ठीक है, अभी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आपके पास में 5 डेज वीडियो आए हैं, अब नेक्स्ट वीक में जो है ये 4 डेज वीडियो जाएंगे, मतलब अब जो पहली बार देख रहे हैं तो वो मतलब ये 5 वीडियोज हैं जो एनिमल किंगडम पे है, जिसमें कॉकरोच को भी इंक्लूड किया है, कॉकरोच, तो ये बच्चे अपने इस यूनिट को बढ़िया तैयार कर सकते हैं, सही बात है, पहले जैसे नॉन कोडेड को रिवाइज कर लिया, शुरुआत के पहला दूसरा वीडियो देख लिया, बिल्कुल सही बात है, कोडेड रिवाइज कर लिया, तीसरा चौथा वीडियो देख लिया, इस तरीके से परफेक्ट तैयार हो सकता है इनका, हाँ तो ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाओ 2021 को क्रैक करने के लिए, और आगे सक्सेसिव ईयर के दौरान अगर इसी वीडियो को देखते हो तो जिस भी साल आप देखोगे उसके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, थैंक यू।